तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? वो जो इच्छा है ना, उसकी शादी एक इंसान से कर दी और यहाँ सब उसका समर्थन कर रहे हैं। हम दोनों ने क्या पाप किया था जो हमें नागों ने अलग कर दिया? अब तुम ही बताओ, ये अन्याय नहीं तो क्या है? और पिताजी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं ये शादी तोड़ के रहूंगी। आवाज कैसे? मैं दीवार पे अखरोट तोड़ रही थी। लाइए, मैं तोड़ देती हूँ। एक काम करो, मेरा फन और मेरी पूछ दोनों बांध दो। मुझे कमरे में तो बंद कर ही दिया है, अब मेरा हिलना डुलना भी बंद कर दो। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। सहायता करने का इतना शौक है? तो एक काम करो, मुझे बार बार कमरे में आके तंग मत करो। जाओ यहाँ से। एक ही वक्त पर पूरे घर वालों को दूध से नहलाना है, लेकिन इतना दूध तो इस वक्त घर में होगा ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो इसमें तो दूध है ही। इतनी रात गए, मैं दूध कहां से लाऊंगी, वो भी इतना सारा। अब पिताजी की बताई तीसरी रसम कैसे पूरी होगी? इच्छा, उन्होंने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है और अगर तू ये भी नहीं कर पाई तो नागुमी देव, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कमाल की किस्मत है इच्छा, आम तौर पर सुहागरात पर लड़कियां अपने सजे सजाए कमरे में होती है और इच्छा कहाँ है? तबेले में। लड़कियां अपने पति को केसर वाला दूध पिलाती है और इच्छा क्या कर रही है? पहली धार का दूध निकाल रही है। हे नागोमी देव, कौन से मूड में आपने मेरी कुंडली लिखी थी? और कितनी देर लगाओगी इच्छा? आ जाओ ना, बब्बल के आने से पहले आ जाओ वरना। छोटे, आज तक तूने बहुत पहलवानी करी है, लेकिन आज तेरी पहलवानी का असली इम्तिहान है, अव्वल आना है तुझे। क्या बात कर रहे हो भाई, आज भी कुश्ती लड़वाओगे क्या इससे? अरे चुस्ती के बिना स्वागरात कैसे बनेगी? शरीर में चुस्ती ना होगी तो भाग दौड़ कैसे होगी? क्यों छोटे? अरे ना 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 भाई, चुस्ती ना कह रहा हूं मैं बोल रहा हूँ आज भी कुश्ती लड़वाओगे क्या इससे? अरे सुहागरात पर कुश्ती तो होवे, बस अखाड़ा अलग, दांव पेच अलग, और आखिर में दोनों खिलाड़ी जीत जावे।
अरे भैया बस कीजिए, आप दोनों को नींद नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तो जाइए सो जाइए ना प्लीज। गुड नाइट। अब क्या गुड मॉर्निंग बोल के जाएंगे? नाना छोटे, बस एक सवाल पूछना था तुझसे। अब क्या पूछना है भैया? तुझे डर तो ना लग रहा? पहली बार है ना भैया। जाइए ऐसे। बिल्कुल सही किया तूने। आप भी जाइए। दादी, दादी माफ कीजिए, मेरा पैर अटक गया। और समझ गई समझ गई। अब जा, कितना इंतजार कराएगी हमारे पोते को। मजाक मजाक में इसे इच्छाधारी नागिन क्या बोल दिया, ये तो उसी की तरह बर्ताव करने लग गए। आखिर नहला दिया मुझे दूध से। लीजिए तीसरी रसम भी पूरी, अब खुश। इन्हें खुश होने में क्या जाता है? तू वहां जोखिम उठाकर रस्में निभा रही थी और ये यहाँ मजे ले रहे थे। मजे तो लूंगा ना, मेरी सपोली ने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो, किसी को इस पर शक हो जाता तो? वो तो होते होते रह गया माँ। आपको पता है दादी ने तो मुझसे मजाक में पूछ भी लिया, तू इच्छाधारी नागिन है क्या? देखा फंस जाती ना। अरे फंसी तो नहीं ना पिताजी। माँ अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, अब झगड़िए मत। मैं हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। खुश तो हम हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी सपोली इंसानों की बहू बनने के बाद भी नागिस्तान के संस्कार और अपनों के लिए प्यार नहीं भूली। वो तो है और हमेशा रहेगी। सपोली, इंसान हो या नागिन, शादी के बाद सबकी दुनिया बदल जाती है। अब तो अपने प्यार से इस नई दुनिया को खुशहाल बनाना। और हाँ, बब्बल को हमारा प्यार देना, उससे कहना हमारा फन उस पर हमेशा बना रहेगा। आज से वो नागिस्तान का दामाद है और हम इस रिश्ते को जहर की आखिरी बूंद तक निभाएंगे। अब तू जा, बब्बल तेरा इंतजार कर रहा होगा कमरे में। वो अकेला अकेले कहाँ, वाकू है ना इच्छा बनकर। वाकू बब्बल के साथ, वो भी इच्छा बनकर सुहागरात पर। मर गई माँ। अरे यार ये इच्छा भी ना खाम खा दूध का स्वाद चखा गई। अब इस वक्त दूध कहीं मिलेगा नहीं और प्यास मेरी बुझेगी नहीं। भाई भाई अरे अपना कमरा छोड़कर यहाँ के सो रहे हो आप? अरे छोड़ा ना है छोटे, छुड़वा दिया गया है। मतलब? अरे तेरी भाभी को चांद दिखाने निकला था, उसने मुझे कमरे के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? छोटे ये रोमांस की बातें हैं, तू ना समझेगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आपको कमरा छोड़ना नहीं चाहिए था। उस कमरे में आपका बराबर का हक है। अरे मुझे पता है छोटे, पर थारी भाभी के सामने मारी चले कहा है? अरे गलती भारी है छोटे, शादी के पहले दिन टीवी के सामने घुटने ना टेकता ना तो ये नौबत ना आती। रोमत भाई रोमत, आपको रोता हुआ देख के ना मुझे भी रोना आ रहा है यार। अरे छोटे, अरे रो मत छोटे, छोटे रो मत, छोटे रो मत, बल्कि तू इससे सीख ले। सीख कैसी सीख? यही कि जो आदमी बीवी के सामने सुहागरात वाले दिन झुक जाता है ना, बीवी पूरी उम्र उस पर ध्वज जमावे। छोटे तू अपनी बीवी के सामने मत झुकियो, उस पर ध्वज जमाइयो। मुझे क्यों बता रही हो ये? मेरी तो शादी हुई नहीं है, बब्बल का क्या करना है? उसकी तो सुहागरात भी शुरू हो चुकी होगी अब तक। अगर वो इच्छा के सामने झुक गया होगा तो? अरे तो क्या, पिताजी के बाद एक और बीवी का गुलाम हो जाएगा इस घर में। नाना भाई मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उसे रोकना होगा। अरे अब तक तो नैया डूब चुकी होगी। अरे खींच के वापस लेके आएंगे नैया को। हाँ? चिंता मत करो आप, चलो मेरे साथ। चल आओ इधर।
चांद छुप गया था इन बादलों में, अब साफ दिखाई दे रहा है, उजला सा निखरा हुआ। इस वक्त कौन आ गया यार? अच्छा खासा मूड बन रहा था, और इस घर में ना दो पल के लिए भी कोई अकेला नहीं छोड़ता। बब्बल जी जाइए और देखिए। छोड़ो ना, कोई मजाक कर रहा होगा। बब्बल जी ये मजाक का वक्त है तो रोमांस करने का वक्त है। बब्बल जी जाइए और देखिए कौन आया है, कुछ जरूरी काम हुआ तो? हाँ ये भी सही है, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं यूं गया और यूं आया। कौन है? भाई ले आया। भैया क्या है ये सब यार, ये मुंह दबाकर क्या? ये सब छोड़, पहले ये बता अब तक इच्छा का गुलाम तो ना बना तू? क्या? अरे इसके पूछने का मतलब है तू झुका तो ना इच्छा के सामने। भैया आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ छोटे, आज तेरी शादी की पहली रात है, आज की रात तुझे कंट्रोल करना है। क्या करना है छोटे? कंट्रोल कंट्रोल। नहीं भैया मुझसे कंट्रोल वंट्रोल नहीं होगा प्लीज। ऐसे ही मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का। अरे छोटे मैं तुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ना कह रहा, तुझे इच्छा को अपने कंट्रोल में करना है, समझा? इच्छा को मतलब? अरे समझाता हूँ छोटे, देख चार बातें गांठ बांध ले। शादी की पहली रात चुनाव की रात हो है, यही रात तय करे है कि पति पत्नी का ता उम्र गुलाम बन के रहेगा या पति परमेश्वर बन के रहेगा। भैया मैं जा रहा हूँ यार, फिजूल की बातों के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे पास। अरे छोटे सुन तो। अच्छा सुन देख, अच्छा देख सुन सुन सुन, लाख बातों की एक बात, तू इच्छा के सामने झुकना मत, उस पर ऐसी धौंक जमाना, अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूं, इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। बब्बल जी आपको हो क्या गया है, आपकी सोच कब से इतनी छोटी हो गई, आप कब से पति पत्नी में ऐसा भेद करने लगे? अरे मैं कोई भेद भेद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के नियम समझा रहा हूँ, इसे रट लो। हाँ हमारी गृहस्थी में पति मैं हूँ, हमारी गृहस्थी में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। मैं कहूँ दिन तो दिन, मैं कहूँ रात तो रात, समझी? और अगर तुमने गलती से भी नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो क्या कर लेंगे आप? आप मुझे धमकी दे रहे? मुझे? दे रहा हूँ धमकी, अपना ये मुंह बंद रखो वरना निकल जाओ मेरे कमरे से। जी आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुरसुरी का जादू चल गया, इच्छा का रिश्ता हिल गया, ईमान से दस लूंगी। अरे दो मिनट के लिए बाहर गया था, वो भी इसने कहा था जाने के लिए, अब खुद ही यार पूरी की पूरी सुहाग रात खराब हो गई। हाँ भाई गृहस्थी धाक जमाने से नहीं समझदारी से चलती है, थोड़ा तुम रुको थोड़ा हम रुके, थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुके। अरे भैया प्लीज। हाँ अरे ये प्लीज प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद कर और भाई की बात मान ले। अरे देख बबल ये औरतें ऐसी होती हैं, हमारे भोलेपन का फायदा उठाती हैं। अरे सुहाग रात को हम शेर सुनाते रह जाते हैं और ये शेरनी बन जाती हैं। हैं क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब औरतें शेरनियां बन जाती हैं? फिर तो उन्हें इच्छाधारी शेरनी बोलते होंगे ना। अरे छोटे तू समझा ना, मेरा मतलब है कि वो हम पे हावी हो जाती हैं। देख बबल अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले, बब्बर शेर बन जा, दहाड़ दे।
नहीं तो पूरी जिंदगी मिम में आता रह जाएगा तू। अरे भैया यार मुझे अपनी सौगात की पड़ी है और अब पूरा का पूरा चिड़ियाघर लेकर घुसे जा रहे हो। अच्छा वो कोई गलत फहमी हुई है, जाकर उससे बात करता हूँ। का डर था वही हुआ। नागिस्तान में आज की रात मिलन की रात होती है, प्यार करने की रात होती है। नाग दुल्हा नाग दुल्हन को अपनी लपेट में लेता है, फन से फन टकराते हैं और एक मेरा दूल्हा नेवली की तरफ फुफकार रहा है। ये इंसानी दूल्हे जितने संस्कारी दिखते हैं उतने होते नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी सपोले से ही शादी कर लेती। सोचा था आज बब्बल जी पर जमकर प्यार बरसाऊंगी, उनको दिखा दूंगी कि उनकी इच्छा उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये इन्हें झगड़े करने से फुर्सत मिले तब ना। सुहागरात पर लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं थकते, और यहाँ देखो एक का चेहरा इस तरफ और दूसरे का उस तरफ। इच्छा यार कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मुझे सोने नहीं देंगे आप? सोने तुम मुझे नहीं दे रही हो, बार बार कंबल खींच रही हो। मैं कंबल खींच रही हूँ? कंबल आप खींच रहे हैं। आगरा तो पहले ही खराब कर दी, अब मेरी नींद तो मत खराब कीजिए, चैन से सोने तो दीजिए कम से कम। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने लिए दूसरा कंबल लेके आओ, मुझे परेशान मत करो। ये कंबल मेरा है, आप दूसरा ले आइए। ये कंबल मेरा है, मुझे चाहिए। नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। अच्छा मुझे चाहिए, लाओ। अरे हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ो नर्च, ये आप तुम आपके चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी। अभी भी वक्त है, गुस्सा छोड़ दो ना, प्यार करते हैं। मुखिया जी यहां सब ठीक है ना? मुखिया जी हम जानते हैं आपकी होते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर एक बार हम उससे बात कर लेते तो। तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी शेषु। क्यों, क्या हुआ? सुरसुरी यहां से भाग गई। क्या? वो सीधे इच्छा के पास गई होगी। जब से उसने इच्छा की शादी के बारे में सुना है, जहर खोल रहा है उसका। इच्छा की शादी तोड़ने का जुनून सवार है उसके फन पर। जब से इच्छा की शादी हुई है मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है, ना वो घर से बाहर जाती है ना मुझे इच्छा बनना पड़ता है। नागोमी देव करे सब ऐसा ही चलता रहे। वागो लगता मुझे नागिस्तान हो आना चाहिए, अब तो नागिस्तान वालों की आवाजें भी आने लगी हैं। आवाजें नहीं, नागिस्तान के लोग ही आए हैं, मतलब मैं आया हूँ। आके खोल। मुखिया जी आप यहाँ? सुरसुरी के पीछे आना पड़ा। सुरसुरी? वो यहाँ क्यों आएगी? फन खराब हो गया है उसका, आते जाते एक ही बात रट रही है, इच्छा को नहीं छोड़ूंगी, उसकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ऐ नगोमी देव, आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना, आज तक इच्छा बन के मुश्किलें झेली, अब इच्छा की गृहस्थी के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अरे कहाँ खो गया तू? तूने सुरसुरी को यहाँ कहीं देखा? नहीं अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा तो ढूंढ उसे, इससे पहले कि वो कोई खेल खेले मुझे उसे नागिस्तान वापस ले जाना है।
ठीक है मुखिया जी। छोटे मैं तेरी मदद कर देता हूँ सामान निकालने में। अरे गोगा जी चलिए चलिए मेरे साथ, इंसान आ गए। अरे भाई इतना सा तो सामान होगा इच्छा का, मैं शिफ्ट करा लूंगा आपकी। अरे कहाँ देख रहे हो आप, मर गए। अरे कहाँ देख रहे हो आप, कोई भूत वूत तो ना देख लिया आपने? अरे सामने देख छोटे। भाई कौन है ये नमूना? हाँ तुम्हारा पूरा परिवार इस हलवे को खाकर नागों की तरह झूमेगा और तुम बीन पकड़कर खड़ी हो जाना। खुशबू से पेड़ भर लेंगे या हलवा भी आएगा? अरे किधर है हलवा? अरे सबर रख खड़क। आ गई हलवे वाली आ गई। लो अम्मा जी इच्छा ने अपनी ये रस्म तो पूरी कर दी। रुक जा छोरा, अभी रसम पूरी ना हुई है। इस घर की सबसे बड़ी मैं हूं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, बहू को शगुन दूंगी, उसके बाद तुम सब खा लो। नीले नीले छींटे ये कहां से आए, ये है क्या? नाग लीला विष, ये तो नाग लीला विष की। ये क्या किया छोरी, बावली हो गए के? हलवा क्यों फेंक दिया? इच्छा ये क्या किया तुमने, इतने प्यार से हलवा बनाया और तुमने उसे फेंक दिया? जहर हलवे में कहां से आया, किसने डाला और तुम्हें कैसे पता कि हलवे में जहर था? वो तो मुझे पता चल जाता है। कैसे? ओहो हो 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 हाँ, तुम कोई आम लड़की तो हो नहीं, अद्भुत शक्तियां है तुम्हारे पास, अंतर्यामी हो तुम, तुम्हें तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना? हलवे में मिला जहर तुम देख सकती हो, अलग अलग रूप ले सकती हो, किसी की मन की बातें सुन सकती हो, है ना? ओ हो, फिर तो तुमने आज तक मेरे मन की हर बात सुनी होगी। बबल जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इच्छा ये मजाक नहीं है तो और क्या है? हा? अरे इच्छा हम इंसान है और इंसानों की आंखों में ना कोई केमिकल सेंसर्स होते हैं और ना कोई मशीन होती है जिससे वो जहर को पहचान सके। क्या बातें कर रही हो तुम? बबल जी शायद आप ठीक कह रहे हैं, शादी की भागा दौड़ी से ना मेरा दिमाग चकरा गया है। हलवे के बर्तन पर कुछ नीला सा गिरा था और मुझे लगा कि वो जहर है, लेकिन बबल जी दादी जी मेरी इस हरकत से मुझे कुछ ज्यादा ही नाराज तो वो होंगी ना, शादी की बार पहली रसम और तुमने। लेकिन बब्बल जी मैंने कुछ जानबूझकर। अरे वो तुमसे नाराज नहीं है अच्छा, उन्हें बस बुरा लग रहा है कि तुमने इतने प्यार से हलवा बनाया और तुम किसी को खिला भी नहीं पाए।
ईमान से दस लूंगी। अरे क्या बात है दादी, पैरों को घुटने से अलग क्यों कर रही है, चल भी ना पाएगी। अरे बावले, हर बार अपनी बेवकूफी साबित करना जरूरी है के? अरे मैं घुटने को पैर से अलग ना कर रही हूँ, पैर दबा रही हूँ, दुख रहा है। बबल की शादी में एक मिनट भी मुझे बैठने का मौका ना मिला। सो तो है दादी, बहुत भाग दौड़ करी है तूने, अब थोड़ा आराम कर ले। घर में नई दुल्हन आई है, उसको काम करने दे। और ममता और अम्मा तो हैं ही उसका साथ देने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए दादी, घर में कोई अपशगुन ना होने पाए। वो क्या है ना कि अपशगुन से घर में शांति भंग हो जावे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.